राजाओं के राजा। स्वामी हम आपके नाम की महिमा। यस लॉर्ड। महान जीवित परमेश्वर, हम सबके दिलों के राजा। यस फादर। यस लॉर्ड। हम आपकी तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, हम सब के राजकुमार। यस फादर। हम सब के आनंद। यस लॉर्ड। हम सब का सुख आप हैं। यस लॉर्ड। हम सब की जय आप हैं। हाँ यह हम। स्वामी जब हम असफलता को महसूस करते हैं तो हमें बाइबल के वो लोग याद आते हैं जिन्हें आपने सफल किया। महान परमेश्वर, ओ हालेलुया, धन्यवाद। सब अपने हाथों को ऊंचा करें, सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु हम आपके सामने अंगीकार करते हैं। हम आपके सामने अंगीकार करते हैं। ऊंचा बोले, हम आपके सामने अंगीकार करते हैं। हम आपके सामने अंगीकार करते हैं। आप हमारे उद्धार करता है और हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। आपने हमें पापों से उद्धार दिया है, इसीलिए हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। जब आप हमें नहीं जानते थे तब आपने अपने जीवन को हमारे लिए दिया। प्रभु यीशु, हम आपकी तारीफ करते हैं। आप पवित्र हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। हम थरथराते हुए आपके सामने आए हैं। हम केवल आपका भय मानते हैं, क्योंकि आप भय के योग्य हैं। हम आपको अपना उद्धार करता मानते हैं, क्योंकि आप भरोसेमंद परमेश्वर हैं। इसीलिए हम आपका भय मानते हैं, हम आपका भय मानते हैं, हम आपके नाम से थरथराते हैं। हम आपके भवन के अंदर थर थराते हुए आते हैं। हम आपका भय मानते हैं, क्योंकि आप हमारा बल बन जाते हैं। जब हम आपसे भयभीत होते हैं, जब हम आपका भय रखते हैं, तो हम में शक्ति उतर आती है, तब हम बल को प्राप्त करते हैं और कमजोरियां चली जाती हैं, असफलताएं नाश हो जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर, आप मेरे भजन करने का कारण हैं, आप मेरे भजन करने का विषय है, आप मेरा उद्धार करता है। आपने मुझ पर तरस खाया,
आपने मुझ पर दया को प्रकट किया। चलते फिरते, उठते बैठते, सोचते विचार करते आपने मुझे सुरक्षा दी है। रोड पर, गाड़ी में, बाइक पे, हर प्रकार से आपने हमें सुरक्षा दी है। धन्यवाद यीशु आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हम पर दया दिखाने के लिए। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। रे बस यीशु के नाम में। जो लोग अपनी बाइबल लेकर, अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें, और ऊंची आवाज में बोलिए, ये बाइबल मेरी बाइबल है। सब अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें, ये बाइबल मेरी बाइबल है, और ये बाइबल जो कहती है मेरे विषय में वो मैं हूं। जो ये बाइबल मुझे कहती है करने के लिए वो मैं कर सकता हूं। ये बाइबल मुझे जो आशीर्वाद देती है वो आशीर्वाद मेरे लिए है। इस बाइबल को पढ़कर मुझे बुद्धि की बातें पता लगती हैं। ये बाइबल मेरी बाइबल है, इसीलिए हम सब रोज ब्रेकफास्ट से पहले इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये बाइबल मेरे जीवन का आधार है। ये बाइबल मेरे जीवन के लिए आनंद लेकर आती है। ये मेरी बाइबल है और ये मेरे लिए लिखी गई है। ये बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा मेरे लिए लिखी गई है। आमीन। एक बार अपनी बाइबल को जरा सीने से लगाएं, अपने अपने सीने से लगाएं। और एक अंगीकार करेंगे कि जब से मैं इस बाइबल को पढ़ने लगा मेरा जीवन बदल गया। जब से मैं इस बाइबल को पढ़ने लगा, जब से मैं इस बाइबल को पढ़ने लगा मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। जब से ये बाइबल मेरे परिवार में आई, मेरे परिवार में आई मेरा परिवार बदल गया, मेरा परिवार बदल गया। ये बाइबल मुझे आनंद देती है, ये बाइबल मुझे आनंद देती है, ये बाइबल मुझे तसल्ली देती है, ये बाइबल मुझे तसल्ली देती है, ये बाइबल मेरा सुख और चैन बन जाती है, ये बाइबल मेरा सुख और चैन बन जाती है। इस बाइबल का एक एक वचन, इस बाइबल का एक एक वचन मेरे लिए सत्य है, मेरे लिए सत्य है। ये बाइबल का वचन, ये बाइबल का वचन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, दूसरों की आशीष का कारण बन जाते हैं। हमें इस बाइबल को पढ़ने से, हमें इस बाइबल से पढ़ने से पता चला कि हम मूर्ख थे और अब बुद्धिमान है, अब बुद्धिमान है। हमें इस बाइबल को पढ़ने से, हमें इस बाइबल से पढ़ने से पता चला कि कौन असली परमेश्वर है, कि कौन असली परमेश्वर है। इसलिए इसलिए हम हमेशा कब्र में जाने तक इस बाइबल को पढ़ते रहेंगे,
बाइबल को पढ़ते रहें और इस बाइबल के मुताबिक जीवन जीते रहेंगे, इस बाइबल के मुताबिक जीवन जीते रहेंगे। आमीन। आमीन। अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं, अपने राइट हैंड में लें। मैं इस बाइबल को हमेशा अपने हाथ में उठाए रहूंगा, हमेशा अपने हाथ में उठाए, क्योंकि ये बाइबल मुझे जीना सिखाती है, ये बाइबल मुझे जीना सिखाती है। हम इस बाइबल को कभी भी छिपाएंगे नहीं बल्कि हमेशा दुनिया के सामने लेकर आएंगे क्योंकि ये बाइबल हमारा जीवन है। ये बाइबल हमारे जीवन को पवित्र बनाती है। जब जब मैं इस बाइबल के मुताबिक चला, मेरा जीवन बदल गया। जब हम इस बाइबल को पढ़ने लगे इस बाइबल के मुताबिक चलने लगे हम शैतान को पहचान गए हम अंधकार को पहचान गए हम शैतान की शक्तियों को पहचान गए और उसको भी पहचान गए जिसने शैतान को हराया है जिसने मौत पर जय पाई है हम कह देते हैं हम कभी भी यीशु का नाम लेने से शर्म ना खाएंगे। आमीन। दलेरी से कहो मैं मसीह को मानता हूँ दलेरी से कहो हम बाइबल पढ़ते हैं दलेरी से कहो मसीह की जागृति हम में काम करती है आमीन।